अक्सर जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ऐसे छोटे छोटे ऐसे महीन महीन, तो मेरे घर वाले या मेरे फ्रेंड्स, उनको ये लगता है कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं कितनी देर लगा के ये छोटे छोटे स्क्वायर्स और हाफ स्क्वायर ट्रायंगल्स और दुनिया भर की चीज़ें मैं बनाती हूँ, फ्लाइंग गीस मैं क्यों बनाती हूँ और क्यों इतनी मेहनत करती हूँ, इतना महीन है, इतना बारीक काम है और इसकी शायद एप्रिसिएशन भी नहीं मुझे मिलेगी। उस समय मुझे एक कहानी याद आती है जो मुझे बचपन में स्कूल में हमारी टीचर ने सुनाई थी हमें। उस कहानी में मुझे कौन सा चर्च है वो याद नहीं है, कौन वो आर्किटेक्ट था, शायद वो माइकल एंजेलो था, चाहे वो लियोनार्डो द विंची था, वो भी याद नहीं है, लेकिन टीचर ने कहा था कि इटली में एक चर्च बन रहा था, बहुत बड़ा चर्च, बहुत ऊंची उस वो इमारत थी अंदर से भी, और ये कॉलम अंदर था, और ये जो कारीगर था इसको जो असाइन काम था वो कॉलम के टॉप पे था, कॉलम के ऊपर था, और उसको उसके पूरी गोलाई में डिज़ाइन बनाना था, और अब वो उस एंगल पे पहुंच गया था कॉलम के जो एक तरह से दीवार के पास था, बैक साइड में था। उस डिज़ाइन में कुछ बर्ड्स थे, कुछ फूल थे, और ये कारीगर बहुत हफ्ते लगा के वो बर्ड को काव कर रहा था, पत्थर के ये सारे शिले हैं, तो उसको बहुत बहुत धीरे से बहुत प्यार से वो बना रहा था। तो उसे भी किसी ने यही कहा कि तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तुझे ये तेरा जो काम है किसने देखना है, किसी को नज़र नहीं आना, ये एकदम पीछे है, बैक साइड में है। तब उसने बस एक सेंटेंस उसको कहा, गॉड इज़ वॉचिंग। मेरा क्लाइंट, मैं जिसके लिए बना रहा हूँ, वो गॉड है और गॉड के पास सारा वक्त है और वो मुझे देख रहा है। तो ये सीख मैंने वो टीचर की उस कहानी से अपने पल्ले बांध ली कि मैंने भी ऐसे ही करना है, मैं जो करूँ मैंने पूरे दिल से करना है। जब मैं अपने ब्लॉग को बनाऊँ, जो भी मैं बनाती हूँ, चाहे वो ब्लॉग है, चाहे वो कोई और मेरा क्रिएटिव एंडेवर है, मैंने उसको पूरे दिल से और उसमें प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट में पूरी तरह से रहना है। आई विल गिव माई 100% टू माई प्रेजेंट। लोग क्या कहेंगे, ये कैसा दिखेगा, इसका मैं क्या बनाऊंगी, मैंने उसकी परवाह नहीं करनी। और मैंने ये देखा है, जब मैं इतने पैशनेटली और इतने ऑनेस्टली और इतने दिल से और खुशी से बनाती हूँ कोई चीज़, उसका रिज़ल्ट नॉर्मली तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिव आता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अस्त तक खुशी से व्यस्त और हमेशा हमेशा के लिए मस्त।